हुआ है। वेलकम टू ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर है। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिस्कस किया। बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हमने लैंग्वेज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी नाम दिया था, तो यदि आपने आप वो वीडियो देखा नहीं है तो पहले वो देख लें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कोलरॉस लॉ डिस्कस करने वाले हैं। कोलरॉस लॉ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पर बेस्ड जो एप्लीकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सीएसआईआर नेट गेट और आईआईटी जेईई के अंदर आते हैं और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है और बहुत अच्छे मार्क्स हमको दे जाते हैं। तो चलिए हम आज के इस वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करेंगे कोलरॉस लॉ और उसके एप्लीकेशंस। उससे पहले एक बार और कह दूं कि यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और रेगुलर वीडियोस को वॉच करते रहो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहले वो मैं यहाँ पर एप्लीकेशन 6 एप्लीकेशंस जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में वो मैं बता देता हूँ कि क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। कैलकुलेशन ऑफ मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हम यहाँ पर कैलकुलेट करके देखें कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सॉलिबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स का सॉलिबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। एंड कैलकुलेशन ऑफ सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, और ये सभी जो एप्लीकेशंस हैं एक दूसरे से इंटरलिंक है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ये कहूंगा कि सारी एप्लीकेशंस को ध्यान से देखो और लास्ट तक देखो, बिना स्किप किए देखो, ताकि आपको अच्छे से सारी एप्लीकेशन समझ में आ जाए। इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे, हर एक का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा सा लेंथी वीडियो हो सकता है लेकिन बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और नंबर गेनिंग है, डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कोलरॉस लॉ स्टार्ट करें उससे पहले एक वर्ड हम समझ लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं जो मोल्टन फॉर्म में या फिर सॉल्यूशन बनाने पर अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो जब भी किसी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना होता है तो कोलरॉस लॉ की हेल्प ली जाती है। और कोलरॉस ने बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टिविटी को स्टडी किया और ये लॉ दिया है। और ये लॉ जो है इस पर बेस्ड है कि जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके जो आयंस है उनकी कंडक्टिविटी पर डिपेंड करते हैं पूरे इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी। चलिए लॉ में हम पर लिखता हूं और स्टेप बाय स्टेप हम एक एक सेंटेंस को इसका समझ जाते हैं। थोड़ा लॉ आपको लेंदी दिखेगा लेकिन है कुछ भी नहीं इसके अंदर। एक इनफाइनाइट डाइल्यूशन ये वर्ड हमको सबसे पहले तो समझना है कि आखिर इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होता है। जब भी कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हम बनाते हैं तो जब भी हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनाएंगे उसके आयंस क्या होंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे। आयंस जब तक कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो और आयंस के डिसोसिएट होने के बाद उनमें कोई भी अट्रैक्शन नहीं बचे तो इस टाइप के डाइल्यूशन को, इस टाइप के कंसंट्रेशन को हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहेंगे। क्लियर है। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन इलेक्ट्रोलाइट इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड एंड इंटर आयोनिक अट्रैक्शंस आर नेग्लिजिबल, कोई भी इंटर आयोनिक अट्रैक्शन नहीं है तब की बात कर रहे हैं। ठीक, इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट हो चुका है और इंटर आयोनिक अट्रैक्शन बिल्कुल नेग्लिजिबल है तब की कंडीशन को हम कहते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। देन Each ion contribute to molar or equivalent conductivity of electrolyte की
कंडक्टिविटी जो भी होगी उसमें हर आयन का कंट्रीब्यूशन होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू दिस द मोलर कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रोलाइटिक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी ले सकता हूं मैं, कंडक्टिविटी इज सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ केटायन एंड एनायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्लियर है। जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर केटायन और एनायन की कंडक्टिविटीज को हम सम कर देंगे तो हमको पता चल जाएगी कि उस इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर क्या होगी। क्लियर है, इसको हम मैथमेटिकली ऐसा लिख सकते हैं, जो मोलर कंडक्टिविटी है उसको हम इस टाइप के लेमडा एम से डिनोट करते हैं, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन यदि है तो यहां पर इनफाइनाइट का हम साइन लगाते हैं। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के सम के इक्वल होगी। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटायन और एनायन के लिए ये वाला लेमडा हम यूज करते हैं, जबकि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये वाला हम लैम्डा यहां पर यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक इलेक्ट्रोलाइट लेता हूं, एग्जांपल मैंने लिया NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है मेरे लिए। अब इस NaCl की मोलर कंडक्टिविटी यदि मुझे निकालना है तो इसको कैसे मैं बताऊंगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के सम को हम कह देंगे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्लियर है, बस अब इतनी सी बात है हमारे पास। अब हमको क्वेश्चन में एक सिंपल सा क्वेश्चन में डिस्कस करता हूं कि क्वेश्चन में आपको सोडियम आयन की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दी हुई है और क्लोराइड आयन की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दी हुई है, दोनों को सम करके आपको मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl बतानी है। ठीक है, इतना तो कर सकते हैं, यहां तक इतना कोलरॉस लॉ से हम इतना समझे हैं कि जो भी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होगी वो दोनों आयन्स की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के सम के इक्वल आएगी। अब एक एक एप्लीकेशन को मैं यहां पर डिस्कस करता हूं आपसे। ओके, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉस लॉ है हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करना। वीक इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं, इस पर हम शॉर्ट डिस्कशन करते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट देखो, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स को हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं जो डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं, पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स को हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम किसको कहते हैं, बिल्कुल वेरी गुड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑन जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, सारे जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपने लिए हैं वो सारे आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स में वीक इलेक्ट्रोलाइट के लेता हूं क्योंकि हमको वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल CH3COOH है, NaNO3 है और हमारे पास NH4OH है, ये सभी क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। और इन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी यदि हमको कैलकुलेट करना है तो हम हेल्प लेते हैं किसकी, कोलरॉस लॉ की। अब कोलरॉस लॉ के अकॉर्डिंग यदि हम मान लो एग्जांपल लेता हूं CH3COOH की मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम ऐसे करेंगे, कैसे, ऐसे बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, लेमडा
molar conductivity of H plus ion at infinite dilution plus lambda molar conductivity of CH3COO minus at infinite dilution. ऐसा कोलड्रॉस लॉ के अकॉर्डिंग हम करेंगे, लेकिन ऐसा कर नहीं सकते किसके साथ, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ. क्यों? क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं, और कोलड्रॉस लॉ की कंडीशन है कि व्हेन द इलेक्ट्रोलाइट इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड देन. ठीक, तो अब क्या करें यहां पर, हम यहां पर ये करते हैं, ध्यान से देखो आप, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है कि हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को एड कर देते हैं और उसी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं. फॉर एग्जांपल NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो NaCl की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को हम पहले ऐड करेंगे इस टर्म में और फिर उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे उसकी ही मोलर कंडक्टिविटी, मींस NaCl की मोलर कंडक्टिविटी को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे. तो कोई चेंज आएगा इस सम में, कोई चेंज आएगा क्या इस वैल्यू में, कोई चेंज आएगा? क्योंकि ये तो दोनों सेम वैल्यूज होगी, प्लस की माइनस की क्रॉस हो जाएगी, कोई चेंज नहीं आएगा. अब देखो मैं क्या करना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं कि ये जो H+ आयन है इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है, ये जो CH3COO- आयन है इसकी मोलर कंडक्टिविटी है, इसमें हम ऐड कर देते हैं इनको डिसोसिएट करके. अब इस NaCl को प्लस वाले को डिसोसिएट करता हूं पहले मैं, लेमडा Na प्लस इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस Cl माइनस, Cl माइनस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. अब माइनस, ये माइनस में है तो ये दोनों के दोनों किस में आएंगे, माइनस में आएंगे मेरे पास, Na प्लस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. ध्यान से समझो, लास्ट में सब कुछ समझ में आएगा आपको, Cl माइनस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. ये दोनों प्लस के हैं, ये दोनों माइनस के हैं, ये Cl माइनस प्लस का Cl माइनस, माइनस का दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सोडियम प्लस का सोडियम माइनस का दोनों कैंसिल हो जाएंगे, अभी भी इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आना है. मैं क्या करना चाहता हूं, ध्यान से देखो, इस H+ को और इस Cl- को, क्योंकि दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं, इनको सम कर सकता हूं क्या, कर सकता हूं. तो जब इनको सम करूंगा तो ये H और ये Cl, HCl की मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी. तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl बना सकता हूं इसको मैं प्लस, ये CH3CO माइनस और ये Na+, ये दोनों भी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, इनको भी ऐड कर सकता हूं मैं, ये मैंने किया. तो क्या बन जाएगा, ऐड इसलिए कर सकता हूं क्योंकि एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट बन रहा है, इसलिए मैं उसको ऐड कर सकता हूं. माइनस, अब माइनस इसलिए लगाया क्योंकि दो वैल्यूज माइनस की बची हुई है हमारे पास, एक Na और एक Cl, और दोनों भी एक इलेक्ट्रोलाइट बन सकते हैं. NaCl इलेक्ट्रोलाइट, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. अब देखो ध्यान से, हमारे पास तीन अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट आ चुके हैं और ये तीनों इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं. अब एग्जाम में क्या होता है कि वो हमको HCl की, सोडियम एसिटेट की और NaCl की मोलर कंडक्टिविटीज देता है और पूछता है कि एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी बताइए, CH3COOH की मोलर कंडक्टिविटी आप हमें बताइए. तो इन दोनों को ऐड करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है और वैल्यू फाइंड आउट करके लाना है. चलिए एक न्यूमेरिकल एग्जांपल ले लेता हूं इसी पर बेस्ड. ये हमारा पहला वाला जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर फिनिश होता है. अब इनके भी ऐसे एग्जांपल्स हम बना सकते हैं, अलग अलग एग्जांपल आ सकते हैं, एग्जाम में एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. ओके, क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख दिया है. क्वेश्चन क्या है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन 126 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स दिया हुआ है. मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl दिया हुआ है 425.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स दिया हुआ है, और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसिटेट दिया हुआ है 91 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. देखो ये जो वैल्यूज है ये वेरी कर सकती है टेम्परेचर से, वेरी कर सकती है. यदि टेम्परेचर चेंज कर दे तो ये वैल्यूज डिफरेंट आ सकती है. अगले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर फिर से यही वाली वैल्यूज दिखेगी, ये यही वाले इलेक्ट्रोलाइट दिखेंगे, लेकिन आप कहेंगे कि सर यहाँ पर तो आपने अलग लिखी है, वहां पर अलग लिखी थी, तो वो टेम्परेचर बेस्ड होती है. ठीक है, और कैलकुलेट करने से रहा, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH. अब इसका सॉल्यूशन कैसे करना है वो अभी हम करके आए हैं. हमको कैलकुलेट करने से रहा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH, और हमको दे किसकी किसकी भी दे रहा है, वो NaCl की दे रहा है, वो HCl की दे रहा है, वो और सोडियम एसिटेट की दे रहा है, इन तीनों की दे रहा है. बस आपको सम करके निकाल करके लाना है किनको किनको ऐड करना है, किनको सब्ट्रैक्ट करना है. आंसर क्या आएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं. ठीक है, इस सम का आंसर जरूर बताएं. क्या आप फिनोमेना सीख गए,
यदि कोई डाउट हो तो भी कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं। मैं दूसरे एप्लीकेशन की तरफ जा रहा हूं। ओके, सेकंड एप्लीकेशन है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये हमारा सेकंड नंबर का एप्लीकेशन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना। पहले ही मैंने यहां पर एक क्वेश्चन लिख लिया है, क्वेश्चन पहले पढ़ता हूं मैं। इफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन NH4Cl के लिए 129.8 साइमन cm स्क्वायर मोल इनवर्स है, NaOH की मोलर कंडक्टिविटी 217.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है और NaCl की 108.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। ये दिया हुआ डाटा है। और क्या कुछ कह रहा है वो, द कैलकुलेट देन कैलकुलेट अल्फा। अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फा से डिनोट करते हैं। फॉर NH4OH, NH4OH के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करके बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन है। और क्या चीज दी हुई है, एक और चीज दी हुई है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH एट एनी कंसेंट्रेशन दी हुई है। किसी कंसेंट्रेशन पर, अब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर नहीं है, कोई कंसेंट्रेशन है, पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन कितनी है, 9.33 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन हुआ, इस क्वेश्चन से अभी हमें कुछ समझ में नहीं आया। कब तक, जब तक हम समझेंगे कि आखिर अल्फा होता क्या है। अल्फा मीन्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्या किस किस का रेशियो है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एनी कंसेंट्रेशन एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का रेशियो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो हमको किसका पूछ रहा है वो, NH4OH का, NH4OH का। तो NH4OH का डिग्री ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट कंसेंट्रेशन एंड NH4OH का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन यदि आपको पता चल जाए तो आप आसानी से अल्फा मींस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बता दोगे। अब आपको यहां पर जो डाटा दिया हुआ है उसमें मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसेंट्रेशन ऑफ NH4OH तो दिया हुआ है सीधा सीधा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। कितना, 9.33 ये तो दिया ही हुआ है। अब आपको NH4OH की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट करना पड़ेगी और उसके लिए डाटा दिया हुआ है ये, जो कि अभी हम पहले वाले आप एप्लीकेशन में करके आए हैं, सेम डाटा हमको दिया हुआ था। और एक जो वीक इलेक्ट्रोलाइट था उसका पूछ रहा था, मैंने वीक इलेक्ट्रोलाइट में NH4OH भी बताया आपको, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। NaCl, NaOH और NH4Cl ये तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इनमें से किसका सम करना है, मींस किसका एडिशन करना है, किसका सब्ट्रैक्शन करना है, मैं नहीं बता रहा हूं आपको, मैंने आपको सिर्फ क्वेश्चन बताया है। आप क्या करोगे, पहले तो पहली एप्लीकेशन को फॉलो करके ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर NH4OH कैलकुलेट करो इन तीनों की हेल्प से, और फिर जो वैल्यू आएगी उसको यहां पर रखो और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करके मुझे बताओ, एप्लीकेशन नंबर टू। लेकिन चलो करके ही बता देता हूं मैं इसका आंसर। आप फिर कहोगे सर आप सारी चीजें हमसे पूछा करते हो, करके नहीं बताते आप। इसका जो आएगा NH4OH का, इनको सॉल्व करके आप लेकर के आओगे, 238.3 इसका आंसर आएगा। और जब इसको आप डिवाइड करोगे तो 0.0392 इसका आंसर आना। मैंने करके देख लिया है, आप करके देखना, यदि गलत जाए तो मुझे बताना, मुझे भी इन्फॉर्म करना कि सर गलत गया आपका आंसर। अल्फा आ गया मेरे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कैसे आया समझ गए, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, ये NH4OH के लिए रखा, यहाँ कोई भी इलेक्ट्रोलाइट आ सकता है, सिर्फ हमको एट एनी कंसेंट्रेशन मोलर कंडक्टिविटी और एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी का रेशियो निकालना है, जिसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, अब एप्लीकेशन थर्ड की तरफ जाता हूं मैं। उससे पहले एक और बात मैं कह दूं कि ये तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमने लिखा निकाल दिया, लेकिन कभी कभी क्या होता है वो परसेंटेज डिसोसिएशन पूछ लेता है, तो हम घबरा जाते हैं, आखिर परसेंटेज डिसोसिएशन तो हमने पढ़ ही नहीं रखा, कुछ भी नहीं है। जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आई है ना 0.0392, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी। ये क्या आया था, फ्रैक्शन आया था, आप किसको किस में कन्वर्ट कर दो उसको परसेंटेज में, तो क्या आ जाएगा, ये 3.92% हो जाएगा। तो परसेंटेज हम डिसोसिएशन भी निकाल सकते हो या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। थर्ड एप्लीकेशन, डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, तो थर्ड एप्लीकेशन हमारा क्या है, कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन
कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत ही आसान सी बात है। एक और फार्मूला आपको ध्यान में रखना है डिसोसिएशन कांस्टेंट, ए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का एक्सपेंशन है। सीधी सीधी बात है, फॉर्मूला क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, k is equal to means dissociation constant is equal to concentration into alpha square divided by 1 minus alpha। ये हमारा फॉर्मूला है डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए। अब इसमें कंसंट्रेशन और अल्फा ही हमको जानना है सिर्फ। कंसंट्रेशन यदि दी हो हमको और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यदि हम निकाल लें तो हम डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं कि नहीं। फॉर एग्जांपल चलो एक क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन वही का वही जो अभी ऊपर हमने सेकंड में लिया हुआ था, NH4OH का इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए, वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन फिर से एक बार आप देख लेना, क्वेश्चन वही है, सिर्फ उसमें मैं क्या कह रहा हूं कि कंसंट्रेशन आपको दे रहा हूं, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, मैंने कह दिया कि सेंटीमोलर, सेंटीमोलर, सेंटीमोलर का मतलब क्या हुआ, 1/100 मोलारिटी है और इसको मैं 0.01 मोलारिटी लिख सकता हूं। ये हमको सेंटीमोलर कंसंट्रेशन दिया हुआ है और वो हमको डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर NH4OH पूछ रहा है। तो अब हम यहां से निकाल सकते हैं कि डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, 0.01 दिया हुआ है, इनटू अल्फा स्क्वायर। अभी क्या आया था अल्फा आपका, क्या आया था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्या आया था 0.0392 आया था। इसका आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, 1 - 0.0392। बस इसको सॉल्व करना है, ये आएगा, मैंने करके देख लिया है, 1.599 × 10⁻¹⁵ आएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आना है। मींस डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर NH4OH इलेक्ट्रोलाइट हैविंग सेंटीमोलर कंसंट्रेशन विल बी 1.599 × 10⁻¹⁵। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। इस फॉर्मूले की हेल्प से डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब फोर्थ एप्लीकेशन पर आते हैं। फोर्थ एप्लीकेशन है सॉलिड या कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। स्पेरिंगली सॉल्युबल कोई इलेक्ट्रोलाइट है बहुत ही कम अमाउंट में यदि वो सॉल्युबल है तो फिर उनकी जो सॉल्युबिलिटी है उनको कैसे कैलकुलेट हम करते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ पोलरस उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला होता है हमारे पास सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए, कप्पा इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो आप किसी भी सॉल्ट, जो भी सॉल्ट आपको दिया हुआ है, उस सॉल्ट की मोलर कंडक्टिविटी यदि आपको पता चल जाए, नहीं पता है तो आपसे कैलकुलेट करवाएगा, अलग अलग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स देगा, उनके कंडक्टिविटीज देगा और उनसे आपसे ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है या स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है इसकी मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करवाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी उसकी देगा, वो कप्पा आपको देगा और इसका आंसर आपको मोल पर लीटर में आ जाना है, में सॉल्युबिलिटी आ जाना है आपको। अब इसका न्यूमेरिकल मैं यहां पर सॉल्व नहीं करवा रहा हूं, फॉर्मूला बता दिया, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आपको देगा और आपको मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन देगा किसी भी सॉल्ट या इलेक्ट्रोलाइट के लिए, आपसे डायरेक्ट कैलकुलेट करवा लेगा। यदि आपको वो डायरेक्ट नहीं देता है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो आपसे पहले वो कैलकुलेट करवाएगा और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी तो उसको देना ही पड़ेगा और फिर उससे आपको सॉल्व करने के लिए कहेगा। ठीक है, ये हमारा फोर्थ एप्लीकेशन है। मैं फिफ्थ एप्लीकेशन पर आता हूं, एप्लीकेशन नंबर 5। एप्लीकेशन नंबर 5 हमारे पास है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। बहुत सारे टर्म्स हैं प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को हम KSP से रिप्रेजेंट करते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को किससे, KSP से, और KSP के वैल्यू फाइंड आउट करते हैं x की पावर x, y की पावर y और s की पावर x प्लस y से कैलकुलेट करते हैं। सर आप कहेंगे सर ये क्या है x की पावर x और y की पावर y लगा रखा है आपने, तो समझ में नहीं आया भाई। कोई सॉल्ट है जिसका फॉर्मूला ये है, x और y उसकी स्टोइकियोमेट्री, तो आप समझ गए, मान लीजिए कि ये NaCl है
तो अब यहाँ पर सोडियम की स्टोइकियोमेट्री और क्लोराइड की स्टोइकियोमेट्री आपको पता चल गई 1 और 1, तो x की पावर x मीन्स 1 की पावर 1 और y की पावर मीन्स 1 की पावर y भी 1 ही है तो 1 की पावर 1 हो जाएगा, तो ये टोटल कुल मिलाकर के 1 ही होना है। बचना क्या है, s बचना है। s क्या है हमारे पास, कुछ भी नहीं, अभी अभी ऊपर करके आए आप, इसको सॉल्युबिलिटी s है हमारे लिए, s वही है सॉल्युबिलिटी। x plus y अभी आपको पता चल गया, x plus y क्या है, यहां 1 plus 1 मीन्स सॉल्युबिलिटी का स्क्वायर यदि कर दोगे, यदि उसकी स्टोइकियोमेट्री 1 1 है तो ksp मीन्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये एबी टाइप के लिए तो मैंने आपको बता दिया, इसमें अलग अलग टाइप होते हैं एबी टाइप के लिए, मीन्स जहां पर x is equal to क्या है 1 है और y is equal to भी क्या है 1 है, तो ksp क्या आ जाएगा आपका सॉल्युबिलिटी के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, आप सॉल्युबिलिटी कैसे कैलकुलेट करना है ऊपर बताया मैंने, वो सारा डाटा आपको देगा, सॉल्युबिलिटी आप कैलकुलेट करो और उसका स्क्वायर करके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आप निकाल सकते हो। क्लियर है, या आपको मैं एक काम दे रहा हूं यहाँ पर, मान लीजिए कि एबी टू टाइप का है, या फिर एक और दे देता हूं एबी थ्री टाइप का है, दो मैंने दे दिया आपको, तो इनका के एस पी क्या आएगा, दो के एस पी बताना है आपको, क्या एक AB2 टाइप का KSP बताना है, एक AB3 टाइप का KSP बताना है। ये सॉल्युबिलिटी की तो कोई वैल्यू दे ही नहीं रहा हूं, S का स्क्वायर आएगा कि 4 आएगा कि 5 आएगा कि आगे भी कुछ डिजिट आएगा, क्या आएगा वो आपको मुझे बताना है यहां पर। ठीक है, इसको कॉपी कर लो, इसको मैं इरेज कर देता हूं, मैं लास्ट एप्लीकेशन पर आता हूं। तो सिक्स्थ एप्लीकेशन है कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट निकालने के लिए, वाटर का आयनिक प्रोडक्ट निकालने के लिए आता बहुत कम है क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू होती है, आपको याद कर लेना चाहिए। कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आयनिक प्रोडक्ट के एच टू ओ भी जिसको मैं कहता हूँ, के एच टू ओ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को क्या कहूंगा, के एच टू ओ कहूंगा। आयनिक प्रोडक्ट निकालने के लिए जो भी कंसेंट्रेशन दी हो उसका आपको स्क्वायर कर देना है, डायरेक्ट आयनिक प्रोडक्ट आ गया। कंसेंट्रेशन यदि आपको नहीं दी है तो कुछ और डाटा दिया है, कुछ और डाटा दिया है तो क्या दिया होगा आपको, क्या कप्पा दिया है, मीन्स स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ वाटर दिया हुआ है, उसको डिवाइड कर देना है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H2O एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन से, और उसका कर देना है स्क्वायर, जो भी इसकी वैल्यू आएगी उसका क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे, और जनरली इसकी वैल्यू 10^-14 आती है, मींस आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कितना आता है 10^-14 आता है। अब इस पर मैं बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करता हूं क्योंकि तो 12th का बहुत बेसिक सा था, आप पढ़ लेना यदि आपको ज्यादा पढ़ना है, 12th की बुक निकाल लेना, उसमें आपको आयनिक प्रोडक्ट मिल जाएगा, लेकिन इतना काफी है। चलिए, ये था हमारा कोलड्रॉस लॉ और उसके सारे एप्लीकेशंस, न्यूमेरिकल भी आपको मैंने सॉल्व करवाया। कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।